देखिए सोशल मीडिया पे कोई डॉक्टर मुबीन शाह है, उसने एक मैसेज वायरल कर दिया है कि पहलगाम क्लब को किसी प्राइवेट कंसर्न को दे दिया गया है, और उसके मैसेज में फर्दर ये भी कहा गया कि उस और भी सारी जो चीजें हैं जो पहलगाम में गुलमर्ग में है प्रॉपर्टीज, उनको और भी दिया जाएगा। तो आपकी वसात से मैं ये कहूंगा कि ये सारी खबरें, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये बेबुनियाद है, गलत हैं, झूठे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। ये एसेट जो है टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक ज्वेल है, और हम तो विंटर्स जो आ रहे हैं हमारे विंटर्स में इस एसेट को कैसे रिज्यूवनेट किया जाए और कैसे इस एसेट के और ज्यादा जो है उसको यूज किया जाए और इसकी कैसे पब्लिसिटी हो। टूरिज्म डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमने जो कुछ एक दो प्रोग्राम भी वहां क्लब में किए हैं, कल भी एक जो एनजीओ ने वहां प्रोग्राम किया था, दो दिन का कल्चरल प्रोग्राम टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहां प्रोग्राम किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां प्रोग्राम किया है। तो हम पहलगाम क्लब को दोबारा उसी लाइव और उसी जो है रिज्यूनेशन में लाना चाहते हैं, ताकि बाहर के लोगों को भी उसको ये पता चले कि पहलगाम में एक जो स्नोमाउंट डेस्टिनेशन है, एक विंटर डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्लब है जहां पर न कि जो लॉजिंग और बोर्डिंग फैसिलिटी है, वहां अंदर इंडोर गेम्स भी हैं, हेल्थ क्लब भी है, स्विमिंग पूल भी है, जो 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 हमारे CSR या कॉरपोरेट हाउसेस के लिए कॉरपोरेट मीटिंग्स करने की फैसिलिटीज भी है। तो ये जो खबर दी है किसी ने सोशल मीडिया पर, तो ये बेबुनियाद है, झूठी है, और हमने SSP साहब को इसमें लिखा भी है कि उसके खिलाफ इमीडिएटली FIR लॉज हो और कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर।